मैं हूं आचार्य पी खुराना। होम सूत्र के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। शीशा हो या दिल हो, अक्सर टूट जाता है, आखिर टूट जाता है। देखिए, शीशा टूटने के लिए बना है और दिल भी टूटने के लिए बना है, मगर हम इस बात को संभाल सकते हैं कहीं ना कहीं। हम पहले आईने की बात कर रहे थे। आईने का एक हिस्सा शीशा भी है, जिसमें आर पार नजर आता है खिड़की के। आप उसमें शीशे की बात कर सकते हैं या और की शीशे की बात कर सकते हैं। खिड़की का शीशा अगर टूटा हुआ हो तो अक्सर दिमाग में बात आती है कि हम वहाँ पे गत्ता लगा लेते हैं हवा ना आए, या उसको कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम कभी भी ठीक करवा लेंगे। लेकिन एक बात मान लीजिए, ऐसे अगर शीशा घर में खिड़की का टूटा हुआ है तो आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा कोई कानूनी केस बन सकता है, या कोई ऐसा कानून की उलझन में फंस सकते हैं, झूठा इल्जाम लग सकता है और आपको उसका मतलब समझ नहीं आएगा कि कारण क्या था। कारण मैं बता रहा हूं, आप उस घर की खिड़की के शीशे को अगर टूटा हुआ है तो फौरन बदल दीजिए। उस टूटे हुए शीशे को ऐसी जगह पे मत फेंकिए जहां पर किसी बच्चे के या व्यक्ति के चोट लग सके। उसको पूरी तरह अखबार में या डिब्बे में लपेट कर ऐसी जगह पर छोड़ के आइए जो किसी को नुकसान ना दे। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर देखिए, वास्तुशास्त्र के नियम हमारे बड़े कमाल के हैं। ऐसा करना भी आपके कहीं ना कानूनी उलझने आपकी समाप्त होंगी। नमस्कार।